A very good morning to all of you. Today we are going to do parties and party system in India, and under that we are going to describe the decade of 1960s, which is one of the most difficult decade of Indian political system. In this decade only, in 1964, we lost our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, and after that, when Lal Bahadur Shastri was made the PM of the nation, we also lost him in 1966 when he went to Tashkent, which is the current capital of Uzbekistan, to sign the peaceful agreement with Pakistan after the war of 1965. It is also a very important decade because in 1962, India faced a war with China. In this, the performance of our country was not so better. And in 1965, which was a war, India fought a war with Pakistan, which was only equal performance was given by both of the nations. After that, when Lal Bahadur Shastri, he died in Tashkent, in 1966, the question arises that who will be the next Prime Minister of the nation. Morarji Desai, he came forward because he wants to become Prime Minister of the nation, but syndicates supported Indira Gandhi, and with the support of those syndicates, those were the influential leaders of Congress Party, जो धुरंधर माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के बड़े माने हुए नेता माने जाते थे, वो सभी नेताओं ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और वो ये मानते थे, और उनके सपोर्ट करने के कारण ही 1966 में इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। उनके सपोर्ट करने के पीछे यह मेन कारण यह था कि वो एक वीक प्राइम मिनिस्टर को चुनना चाहते थे जो उनके कंट्रोल में रहकर काम करे। मोरारजी देसाई काफ़ी पुराने नेता थे तो वो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई को हम चुने। सो ऐसे कुछ हालात में, क्योंकि इंदिरा गांधी शी हैड वेरी लेस एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, एंड शी वाज हैविंग वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 1959 टू 60, एंड शी वाज one of the very petty portfolio of minister of information and broadcasting in Shastri's cabinet. So is halat mein 1966 mein jab wo banti hain, prime minister, to us samay unke paas bahut sari problems unhe face karni padti hain। उन प्रॉब्लम्स में मेन थी मॉनसून का फेल होना, बिहार का जो सूखा पड़ जाना 1965 से 67, बहुत सारे लोगों का मारा जाना उस समय इस सूखे में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही लो हो गई थी, फूड शॉर्टेज पूरा देश फेस कर रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं थी, एक्सपोर्ट नहीं था, देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन होल ऑफ द कंट्री, and due to this Indira Gandhi government took a very bold step to devaluate the Indian rupee। jab devaluation hoti hai, rupee ki kimat kam ki jati hai, to us samay inflation badh jati hai, economic situation bahut zyada kharab ho jati hai, aur us samay price hike itna zyada hua jaise ki essential commodities ki bhi प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फूड की शॉर्टेजेस आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी, और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इंडिया की वो पूरी की पूरी कम हो गई, नीचे गिर गई। कई स्थानों पर लोगों ने ये देखा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो वैसे इकोनॉमिक क्राइसिस था, एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के रूप में समझा, और इसी कारण लोगों ने यह बात नहीं समझी गवर्नमेंट की,
और वो चाहते थे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व किया जाए, और इसीलिए उन्होंने बंद और हड़ताल लगाने शुरू कर दिए। और गवर्नमेंट इस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मानती थी कि वह इसे सॉल्व कर दिया जाए इस प्रॉब्लम को, इन प्रोटेस्ट को, एंड दे हैव नॉट सीन इट एज अ पीपल्स डिमांड। उनकी पीपल की जो जेन्युइन डिमांड थी उसको नहीं माना गया, जबकि गवर्नमेंट ने समझा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से डील किया। और इसी तरह जो नक्सलाइट्स मूवमेंट थी उस उनका उभर कर सामने आया, क्योंकि इस समय कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज ने दे लॉन्च द प्रोटेस्ट फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। नक्सलाइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिनका प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत खराब पड़ा। नाउ नेक्स्ट इज योर कुछ लीडर्स इकट्ठे होकर नॉन कांग्रेसिज्म के कोट को बढ़ावा देते हैं। वह कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ऑपोजिशन पार्टी जो सामने आना चाहती थी, वह सारे लोग द पार्टीज विच वर अपोजिंग द कांग्रेस दे रियलाइज्ड दैट वी शुड बिकम यूनाइटेड। कांग्रेस की ऑपोजिशन की सभी पार्टीज यूनाइटेड हो गई और उन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट का फ्रंट बना लिया, ताकि हम, जैसे कि FPTP सिस्टम में होता है कि अगर ऑपोजिशन डिवाइडेड ना हो तो फिर यूनाइटेड हो, तो फिर जो मेन पार्टी है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस तरह जब ऑपोजिशन के मेंबर्स सारे यूनाइटेड हो गए आइडियोलॉजी के आइडियोलॉजी बेशक उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, प्रोग्राम्स डिफरेंट थे, बट दे केम टुगेदर इन डिफरेंट स्टेट्स टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट्स। इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स हुई, शेयरिंग ऑफ सीट्स हुआ, और ये जो नॉन कांग्रेसिज्म का जो टर्म है, इसको जन्म देने वाले राम मनोहर लोहिया जी हैं। दैट वॉज अ सोशलिस्ट लीडर अबाउट हुम वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो जब नॉन कांग्रेस मेंबर्स, नॉन कांग्रेस पार्टी सारी यूनाइटेड हो गई, तो फिर उनका इस बात का प्रभाव इलेक्टोरल वर्डिक्ट पर ज़रूर ज़रूर पड़ा। और जब रिजल्ट्स आए उसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी तो लोकसभा में मिल गई, लेकिन दे वर हैविंग अ लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स, शेयर ऑफ वोट्स सिंस 1952। 1952 से लेकर 1967 तक हूँ तक दी सब तो घट सीट, सबसे कम सीट्स कांग्रेस को मिली। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट दे वर डिफीटेड। जो बहुत इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो उनको हार का सामना करना लग पड़ा। और ये सारे वो सिंडिकेट मेंबर्स ही थे जिसमें कामराज थे तमिलनाडु के, एसके पाटिल वेस्ट बंगाल से थे, एसके पाटिल इन महाराष्ट्र, सॉरी, अतुल्य घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल, के बी सहाय इन बिहार, एंड निजलिंगप्पा फ्रॉम कर्नाटका, मुरारजी देसाई फ्रॉम गुजरात। तो कुछ सेवन स्टेट्स में कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी एंड द टू अदर स्टेट्स डिफेक्शन प्रिवेंटेड कांग्रेस फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। जो नौ स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस बुरी तरह हारी वो थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। इसके बाद फॉल ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एंड फोर्थ जनरल इलेक्शन, मद्रास में क्या हुआ? इन मद्रास, दैट इज द प्रेजेंट तमिलनाडु स्टेट, दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डीएमके केम टू पावर। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, दिस पार्टी केम टू पावर बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजॉरिटी। कुछ और भी स्टेट्स थे जिनमें कॉलिशन गवर्नमेंट ने संयुक्त मोर्चा बनाकर वहां पर सरकारें बनाई और कांग्रेस का फॉल हो गया। कांग्रेस का फॉल इस तरह हुआ क्योंकि उसमें देखा गया कि कांग्रेस का
बहुत ही बुरा हाल हुआ इस इलेक्शंस के बाद। मद्रास में जैसे कहा गया है, बताया गया आपको, डीएम के वो पावर में आती है, वहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी थी। ये पहली बार था कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी किसी स्टेट में मिले। बाकी सभी 8 स्टेट्स में कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पर नॉन कांग्रेस पार्टीज वर फॉर्म। इन अदर स्टेट्स कॉलिशन गवर्नमेंट जब बनाई गई, देवर कॉल्ड एज संयुक्त विधायक दल, SVD गवर्नमेंट्स बनाई गई, जिनको पहली बार कॉलिशन गवर्नमेंट का नाम दिया गया। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी SSP PSP अलॉन्ग विद CPI एंड जनसंघ, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मीन्स ऑपोजिशन, ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज भी आपस में मिलजुल कर सामने आई और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। पंजाब में जो राइवल ग्रुप्स थे, अकाली दल के राइवल ग्रुप्स संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, CPI CPIM, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ एंड ऑल दीज पार्टीज, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड बिकॉज जब ऑपोजिशन यूनाइटेड होती है तो तब मेन पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो द मैप विच आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस, दिस इज द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट इन 1967। द रेड पोर्शन, द रेड पोर्शन, द रेड स्टेट शोज दो स्टेट्स वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट अ मेजोरिटी इन 1967 पोल्स, एंड येलो एरिया आर दो स्टेट्स वेयर कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन द पोल्स ऑफ 1967। सो इसके बाद सिंडिकेट्स, बेशक सिंडिकेट्स बुरी तरह हारे थे, धुरंधर नेता कांग्रेस के हार गए थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी को कंट्रोल में किया जा सके, और यही मेन कारण था। इंदिरा गांधी खुद भी ये चाहती थी कि वो सिंडिकेट के कंट्रोल से मुक्त हो जाएं, और इसी के कारण कांग्रेस में टसल चला, एक तरह की खींचोतान चली। और इस समय तक इंदिरा गांधी को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि अगर उन्होंने सत्ता में रहना है तो उनको आम लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, और प्रो पुअर पॉलिसीज, पुअर लोगों के हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा, और सोशलिस्ट टर्न अपनी पॉलिसी को देना पड़ेगा। सो इस तरह बेशक इस कारण बहुत बुरा प्रभाव, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कांग्रेस का हो गया, लेकिन इसी कारण इंदिरा गांधी खुद को सिंडिकेट के रोल से, उनके इन्फ्लुएंस से खुद को मुक्त कराना चाहती थी, और इसी कारण उन्होंने एक टर्न ओवर लिया जिसमें 1969 के इलेक्शंस जो प्रेसिडेंट सीट के लिए हुए, उसमें उन्होंने जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो एन संजीवा रेड्डी थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी, उनको नॉमिनेशन पेपर फाइल अप करवाने में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। तो उन्होंने पीछे से सपोर्ट करके VV गिरी को, कांग्रेस पार्टी के लीडर इंदिरा गांधी खुद थी लेकिन कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को उन्होंने अपोज किया, खुलकर नहीं, जबकि उनके ऑपोजिट उन्होंने VV गिरी को खड़ा किया। और जैसे ही VV गिरी प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी अपने कांग्रेस मेंबर्स को ये ऐलान करती हैं कि डू नॉट फॉलो द पार्टी वे, पार्टी लीडर्स जो कह रहे हैं उनको फॉलो मत करो, वोट एज पर एज योर कॉन्शियस, अपने कॉन्शियस को ध्यान में रखकर वोटिंग करो। और जब वोटिंग हो जाती है तो जब VV गिरी जीत जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से एक्सपेल कर देते हैं, और इस तरह दो पार्टीज बन जाती हैं कांग्रेस की, और इंदिरा गांधी के जो लीडर इंदिरा गांधी के ग्रुप को कांग्रेस रेक्यूसिशनिस्ट कहा जाता है, और जो दूसरे सिंडिकेट पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो कांग्रेस ओ बना देते हैं, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारा ड्रामा भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सोनिया गांधी के द्वारा ही रचा गया था,
और इसके बाद 1971 के जब स्प्लिट हो जाती है कांग्रेस में, तो इससे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाती है, लेकिन फिर भी सीपीआई और डीएमके उन्हें सपोर्ट कर देती है। सीपीआई पार्टी इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उनकी प्रो पुअर पॉलिसीज थी और उनकी पॉलिसीज में वो प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश करना चाहते थे और बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्ट करना चाहते थे। सो इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप इस सिचुएशन में लिया और उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दी और इसके कारण ही 1971 में फरवरी में लोकसभा के मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। एंड मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी पॉलिसीज इंदिरा गांधी लोगों के सामने रखती हैं। वे कहती हैं कि गरीबी वो देती हैं गरीबी हटाओ का स्लोगन, और बेशक वो कहती हैं कि प्रिवी पर्सेस क्या थे, जो रियासतें आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जितना एरिया जिन रियासतों का अपने साथ मिलाया था, वो सारा का सारा एरिया मिलाने के इवज में कुछ फैसिलिटीज़ उन पर्टिकुलर किंग्स को, जैसे वो अपना दरबार रख सकें, ऑफिशियल्स रख सकें, शाही शान और शौकत से रह सकें, तो उन सभी प्रीवी पर्सेस कुछ तरह की पेंशन उन्हें दी जाती थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर इतनी गरीबी है देश में तो इतना पैसा इन लोगों को देना, रियासतों के लीडर्स किंग्स को देना ठीक नहीं है, ये एक तरह का इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। तो उन्होंने प्रीवी पर्स का अबॉलिश करने का भी मुद्दा पॉलिसी दी, साथ में बैंक्स का नेशनलाइजेशन करने का एजेंडा रखा, उन्होंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाएंगे। सो इतनी सारे लालच देकर या अपनी पॉलिसीज लोगों के सामने रखकर इंदिरा गांधी चुनाव में कूद पड़ी और कांग्रेस में पहली बार कांग्रेस और सीपीआई की जो गवर्नमेंट थी, इट वाज वॉन मोर सीट्स देन एवर। आज तक के इतिहास में 52 से लेकर 71 तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट्स 375 सीट्स लेकर कांग्रेस विजयी हुई। और इस समय बहुत सारे असेंबली पोल्स भी हुए। 1971 में जब बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, उस समय इंदिरा गांधी ही हमारे देश की पीएम थी और ऑपोजिशन ने भी इंदिरा गांधी की स्टेट्समैनशिप को सराहना की, उनको एडमायर किया। और बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड हो गया, इससे भी बहुत ज़्यादा इंदिरा गांधी की पावर को बढ़ावा मिला। शी वॉज एट हर पीक ऑफ हर पावर आफ्टर 1971 बांग्लादेश वॉर। आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 इन वेरियस स्टेट स्टेट असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड एंड इन 1972 ऑल्सो, एंड इन दोज इलेक्शंस ऑल्सो कांग्रेस पार्टी स्वेप्ट ऑल द सीट्स। एंड एट दैट टाइम इट वॉज सेड दैट इंदिरा गांधी शी इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज पीपल एंड मोर ओवर शी इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर। सो बाई दिस वे इन 1971 विच वर मिड टर्म इलेक्शंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी स्वेप्ट ऑल द सीट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, एंड दिस रीस्टोर्ड द कांग्रेस इन मैनी ऑफ द स्टेट्स एंड इन मैनी इन द सेंटर ऑल्सो। बट दिस रीस्टोरेशन इज नोन एज री इन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस एंड रिक्रिएशन। कांग्रेस की वैसे जो छवि थी, कांग्रेस का पहले वाला कैरेक्टर उसने लूज कर दिया था और एक रिक्रिएशन के रूप में ही एक तरह की डिवाइडेड कांग्रेस थी, क्योंकि सिंडिकेट के लीडर्स बिल्कुल अलग हो गए थे, डिवाइडेड कांग्रेस थी। और ओनली वन थिंग वॉज सेड दैट देयर इज ओनली वन फेस इन कांग्रेस एंड दैट इज इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एंड इंदिरा गांधी। एंड शी वॉज एट द पीक ऑफ हर पावर, दैट इज वाई शी डिड मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया, बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया,
और कई ऐसे अमेंडमेंट्स उन्होंने 1971, 72 और 73 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर डाले, दैट वाज इन द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन. सो नाउ दीज आर द टू कार्टून्स विच वी हैव डन. इन द फर्स्ट कार्टून द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969 आर बीइंग शोन. इन दिस इंदिरा गांधी इज सपोर्टिंग फ्रॉम द बैक टू वी वी गिरी हु इज द विनर ऑफ द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन. एंड हेयर अ पर्सन इज ट्राइंग टू सी कांग्रेस लाइंग डाउन. कांग्रेस ओ जो थी वो कांग्रेस की हारी हुई कांग्रेस के कैंडिडेट को हारा हुआ देख रहे हैं उनके प्रेसिडेंट निजालिंगप्पा जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय. और कांग्रेस वो निजालिंगप्पा उस समय कांग्रेस को हारे हुए देख रहे हैं. और इन दिस सेकंड कार्टून मिड टर्म इलेक्शंस आर बीइंग डिपेक्टेड एंड द ऑपोजिशन दे वर हैविंग दिस बिलीव दैट वी विल आई थॉट दैट आई वाज कमिंग फर्स्ट यू सेकंड एंड ही थर्ड दैट वी विल विन बट ऑन ऑल द सीट्स कांग्रेस लीडर Congress, our leader, recusationist leader, Indira Gandhi won and she swept away with a clear majority in the midterm elections of 1971. This is all, this is the gist of the chapter which has been the earlier old chapter. I have already posted videos regarding this chapter but I have tried to compile, I have tried to give you the gist in one chapter only. So this is all. And afterwards, there is one more video left with this chapter that will be posted soon. Thank you. Have a safe stay at your houses.